बक्सर के पांडे पट्टी में दूसरे दिन भी सामने आई चोरी की घटना, चोर गिरफ्तार। बक्सर के पांडे पट्टी इलाके में चोरियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। बुधवार को जहां मंदिर में घुसकर चोरी करने के दौरान एक चोर को पकड़ा गया था, वहीं गुरुवार को एक बार फिर गेट ग्रिल की दुकान में एक चोर चोरी करते हुए पकड़ा गया। गेट ग्रिल दुकान के संचालक ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया। घटना के संदर्भ में जानकारी देते हुए गेट ग्रिल दुकान संचालक रोहित कुमार उपाध्याय ने बताया कि रात्रि तकरीबन 2 बजे उन्हें कुछ शोर शराबे की आवाज़ सुनाई दी, जिसके बाद वह जागे तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति हाथ में झोला लेकर भागे जा रहा है। बाद में जब उसे रोककर पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह चोरी का सामान लेकर भाग रहा है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए चोर का नाम टीटू यादव है, जो खुद को नगर के मठिया मोड़ का निवासी बता रहा है। उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है। टीटू यादव कहाँ के रहने वाले हो? मठिया मोड़ के मंडल। तो कहाँ चोरी करने आए हुए थे? सर चोरी करने नहीं आए थे, एक लड़का यहाँ पर वर्कर है, यहाँ काम करता है वो लड़का, ठीक है भैया, वही लेकर आया था सामान रखा था, बोला जाओ सामान लेकर आओ। हम गए तो लोहा बाजा तो भैया हमको कूट कर देख लिए, तो बोले कि कहाँ गए? किसी के घर में तुम ऐसे घुस जाओगे? ना भैया, वो लड़का यहाँ पर काम करता है, यहाँ का वर्कर है वो लड़का। क्या नाम है उसका? गोलू नाम है भैया। उससे मिल रहे थे? हाँ ठीक। वही कूट लेकर आया था भैया। रात में करीबन 2 बजे के करीब लड़का हमारे दुकान में आया और सामान उठाने का उठा रहा था, जब तक हमारी नींद खुल गई। इसको देखे मुँह के बर्दात पर, हम इसको हाथ में अपना सारा सामान देखे हैं, तो अब हमारा मशीन जो था वो झोला में रख के वहाँ आगे पेड़ के पास ले गया था। तो फिर लोहा उठाने के बाद हमसे अपनी गलती स्वीकार करने लगा कि हम आपका भैया सामान चोरी कर रहे थे, मान लीजिए ले जा रहे थे। इसके बाद बोले कि क्या क्या, इसको बैठाए थे काफ़ी देर। इसके बाद यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो बाहर निकले 4 बजे के आसपास, 2 बजे करीब ये घुसा था, 4 बजे करीब सब लोग आए। इसके बाद इससे पूछताछ किया गया तो एक दो आदमियों का नाम और भी बताया है। तो उसके बाद झोला में मशीन जो रखा था वो ला के हमारे पास रखा, बोला कि भैया ये भी ले जा रहे थे। सहयोगी है उसका नाम बताया? हाँ, सहयोगियों का नाम बता रहा था। उसके बाद अब देखिए वो जाएगा आगे। पुलिस को कब फोन किया था आपने? पुलिस को तो हम करीबन सुबह से ही, हम गए थे थाना पे भी, ब्लॉक पे भी गए थे, वहाँ भी गए थे। इसके बाद हम कंटिन्यू कॉल कर ही रहे हैं, अभी जस्ट आए हैं प्रशासन। हाँ लेके गई। अच्छा, क्या लगता है कि मतलब चोरी की वारदात लगातार बढ़ गई है इस इलाके में? हाँ जी, ऐसा लगता है कि लगातार बढ़ रही है, क्योंकि हमारे दुकान से चौथी बार ये प्रक्रिया, मान लीजिए चौथी बार कोशिश किया है चोर चोरी करने का, 2 बार और वारदात हो चुका है हमारे साथ। अच्छा। हाँ, ये चौथी बार है। अब 2 बार और चोर पकड़े नहीं गए? ना, 2 बार चोर पकड़ा नहीं गया, ये चौथी बार पकड़ा गया है। क्या नाम आपका? एस जी रोहित कुमार उपाध्याय। किस चीज की दुकान है आपकी? ये गेट ग्रिल का है। कौन सा इलाका है जी? ये नया बस्ती है, रेलवे क्रॉसिंग के पास में जी, नया बाजार।